हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट वाईएसके। आज हम बात करेंगे हाउ टू कैलकुलेट एसडब्ल्यूएल ऑफ बाय रोप स्लिंग। तो बाय रोप स्लिंग को हम एक दूसरे नाम से भी अगर जानते हैं, कोई बोलेगा बोल सकता है एफएसडब्ल्यूआर। एफएसडब्ल्यूआर का मतलब होता है फ्लेक्सिबल स्टील वायर रोप, फ्लेक्सिबल स्टील वायर रोप, जिसका शॉर्ट फॉर्म है एफएसडब्ल्यूआर। तो चलिए इसका आज हम फॉलो इसका ये निकालने वाले हैं कि इसका एस डब्ल्यू एल किस तरह से निकाला जाता है, तो उस पर बात करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे टू कैलकुलेट द एस डब्ल्यू एल इन टर्म्स ऑन एफ एस डब्ल्यू आर मीन्स फ्लेक्सिबल स्टील बाय रोप, या आप कह सकते हैं बाय रोप स्लिंग। तो इसका फॉर्मूला निकालने का क्या है उस पर बात करते हैं। तो चलिए पहले सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वायर डा रोप डायामीटर इन इंच एंड मल्टीप्लाइड बाई 8। तो इसका जो इंच रहेगा वो ये जो इसका डाया का स्क्वायर करना है, जो कि इंच में दिया हुआ रहेगा, और इसको मल्टीप्लाई बाय 8 से अगर कर देंगे तो हमारा है जो वहाँ पे एसडब्ल्यूएल उसका निकल जाएगा। तो चलिए इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि इसको हम किस तरह से निकाल सकते हैं। तो चलिए फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या है एसडब्ल्यूएल निकालने का, डी स्क्वायर मतलब स्क्वायर डा डायामीटर। डी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, स्क्वायर डा डायामीटर। तो डी टू हो गया, हमने स्क्वायर हो गया डी स्क्वायर जो कि इंच में रहेगा, और इन टू यहाँ हो गया 8 जो कि 8 से मल्टीप्लाई बाई 8 हो गया। अब यहाँ पे फॉर्मूला एक है जो एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे और उसके माध्यम से समझते हैं कि रोप डाया अगर 1 इंच दिया हुआ है, सपोज 1 इंच दिया हुआ है, तो इस फॉर्मूला का हम यहाँ पे इस्तेमाल अभी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एस डब्ल्यू एल का क्या लिखा, डी इंटू डी लिख सकते हैं डी स्क्वायर को, तो d इंटू डी हुआ और इंटू 8 से मल्टीप्लाई करना है तो वो भी हमने लिख दिया। अब यहाँ पे d का वैल्यू क्या हो गया, d का वैल्यू 1 है, फिर 1 दे दिया और इंटू 8 है जो 8 से मल्टीप्लाई है, तो कितना निकल गया 8 टन। तो एस डब्ल्यू एल जो इसका हुआ वो कितना निकला 8 टन। तो ये बहुत ही इजी फॉर्मूला है, तो इसके माध्यम से हम किसी भी बाय रोप स्लिंग का एस डब्ल्यू एल आराम से निकाल सकते हैं। बट यहाँ ध्यान रखना है कि इसका डायमीटर इंच में रहेगा तो टन में आएगा, ठीक है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।